भारत सरकार की ओर से एक जन अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, जब हमारी देश की अमृत महोत्सव हमने पूरा सफलता के साथ उसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, तब देश भर के जितने सारे हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष यानी जिनकी बलिदान से, जिनकी त्याग से, जिनकी तपस्या से, जिनकी पुरुषार्थ से ये देश आज यहाँ तक पहुँची है, ये कृतज्ञ देश इन सभी को नमन करे, सबको श्रद्धासुमन अर्पित करे। इसलिए उनकी जन्मस्थान से, भारत की सभी घरों से माटी संग्रह की अभियान शुरू किया गया है। मेरा देश मेरा माटी, इस कार्यक्रम आज देश भर में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। देश की कोने कोने से करोड़ों संख्या में नागरिक इसमें योगदान कर रहे हैं। देश की हर एक घर से मिट्टी आ रहा है, देश की हर एक बलिदानियों की जन्मस्थान पे पहुंचा जा रहे मिट्टी संग्रह के लिए। इसी श्रृंखला में मेरे पास भाग्य मिला, मैं कोलकाता के इस महत्वपूर्ण पवित्र स्थान योगी श्री अरविंद जी की जन्म स्थान पे पहुंचा हूँ। मेरा देश मेरा माटी अभियान के तहत उनकी जन्म स्थान से आज माटी लेने की सौभाग्य मिला। ये माटी यहीं से कोलकाता से दिल्ली पहुंचेगी अक्टूबर की अंतिम सप्ताह में, और कर्तव्य पथ में हमारी जो सैनिक स्मृति है उसके पास अमृत वाटिका बनाया जाएगा। देश भर से भांति भांति के पेड़ भी लाए जा रहा है, देश के हर एक गांव की मिट्टी भी लाया जा रहा है, हर एक बलिदानियों की गांव से भी मिट्टी लाया जा रहा है। ये सभी को मिला के देश आज रोमांचित हो रहा है, देश इकट्ठा हो रहा है। जब देश की आज चौमुखी प्रशंसा हो रही है, चंद्रयान की सफल प्रयोग हो या आदित्य A1 की सफल लॉन्चिंग हो या G20 जैसे वैश्विक मंच भारत की नेतृत्व में इन दिनों में जो दुनिया कर नहीं पाया था उसको भारत ने करके दिखाया, इस गौरवमय क्षण में आज हम सब लोग मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम को, इस जन आंदोलन को तेजी दें। मैं सभी को आह्वान करता हूँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। व्यक्तिगत रूप में मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ, हमारी देश की परम पूज्य श्री अरविंद जी की, योगीराज श्री अरविंद जी की जन्म स्थान में मैं आया हूँ।